हिसार में दिग्गजों के हलके में हारी भाजपा। सिरसा में अशोक तंवर भी भीतरघात के शिकार। सोनीपत में भी भीतरघात से हारी भाजपा। भिवानी महेंद्रगढ़ में गुटबाजी से हारे रावदान सिंह। करनाल में भी बुद्धि राजा पर भारी पड़ी गुटबाजी। फरीदाबाद में भी उल्टा पड़ गया कांग्रेस का दांव। हरियाणा में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को भीतरघात और कांग्रेस को नेताओं की गुटबाजी ले डूबी। चुनाव में दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस को नेताओं के भीतरघात और गुटबाजी के कारण तीन तीन सीटें गंवानी पड़ गईं। स्थानीय नेताओं की मदद नहीं मिलने की वजह से हिसार, सिरसा और सोनीपत में भाजपा पिछड़ गई। वहीं गुटबाजी के चलते भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और करनाल में कांग्रेस पार्टी हार गई। हिसार में दिग्गजों के हलके में हारी भाजपा। लोकसभा चुनाव में नामांकन से ठीक पहले निर्दलीय विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए रणजीत सिंह चौटाला को भाजपा ने हिसार लोकसभा सीट से टिकट पकड़ाई। लेकिन रणजीत सिंह चौटाला हिसार में इस कदर भीतरघात के शिकार हुए कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के हलके में रणजीत सिंह हार गए। रणजीत चौटाला को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर भाजपा का स्थानीय कैडर नाराज था, लेकिन बाद में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाला और लंबे समय तक नेताओं के मान मनोबल का दौर भी चला। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रणजीत सिंह चौटाला जीत नहीं पाए। रणजीत सिंह चौटाला की हार का सबसे बड़ा कारण आदमपुर हलका और नारनौद हलका रहा। नारनौद हलका पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का है। यहां से रणजीत चौटाला कांग्रेस के जेपी से करीब 45,000 वोटों से पीछे रहे। इसी प्रकार भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई के गढ़ आदमपुर में भी रणजीत सिंह को करीब 7,000 वोटों से हार मिली, जबकि यहां से कुलदीप के बेटे भावे बिश्नोई विधायक हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के नलवा हलके से भी करीब 5,000 वोटों से कांग्रेस जीती है। भाजपा को इन तीनों क्षेत्रों से बड़ी लीड की आस थी, लेकिन नेताओं के भीतरघात ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिसके चलते रणजीत चौटाला ने भीतरघात के आरोप लगाकर हाईकमान को रिपोर्ट पहुंचा दी है। सिरसा में अशोक तंवर भी भीतरघात के शिकार। कांग्रेस से टीएमसी, टीएमसी से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए अशोक तंवर को भी सिरसा में स्थानीय नेताओं के भीतरघात का शिकार होना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक रहे राज्यसभा सांसद सुभाष बड़ाला के हलके टोहाना से अशोक तंवर की रिकॉर्ड हार हुई है। तंवर को टोहाना से 48,411 वोटों से हार मिली और इसी प्रकार भाजपा विधायक दुड़ाराम के हलके फतेहाबाद से भी तंवर को 22,611 वोटों से हार मिली। इतना ही नहीं, विधायक लक्ष्मण नापा के रतिया से 36,332, गोपाल कांडा के सिरसा से 13,350 और मीनू बेनीवाल के हलके एलनाबाद से भी अशोक तंवर को 27,216 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजों के बाद अशोक तंवर भाजपा नेताओं की बैठक में भीतरघात के आरोप लगा चुके हैं और बाकायदा नेताओं के नाम तक बता चुके हैं। सोनीपत में भी भीतरघात से हारी भाजपा। लोकसभा चुनाव के बीच सोनीपत लोकसभा एकमात्र ऐसी सीट है जहां से भाजपा नेताओं के भीतरघात से जुड़ी कई ऑडियो वायरल हुई। यहां सांसद और विधायक पर भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने खुद भीतरघात के आरोप लगाए और हाईकमान से शिकायत करके कार्रवाई की बात भी कही। बड़ौली ने निवर्तमान सांसद रहे रमेश कौशिक और गन्नौर से भाजपा विधायक निर्मल चौधरी पर भीतरघात के आरोप लगाए। इसके अलावा भी यहां पर कई और नेताओं के नाम कांग्रेसी प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। बहरहाल बड़ौली ने भीतरघाती नेताओं की पूरी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को सौंप दी है। भिवानी महेंद्रगढ़ में गुटबाजी से हारे रावदान सिंह। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहां भी कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह स्थानीय नेताओं की गुटबाजी से हार गए। रावदान सिंह अपने ही हलके महेंद्रगढ़ में पिछड़ गए। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी के हलके तोशाम से भी 8,063 वोटों से पिछड़ गए। दरअसल किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन लंबी जद्दोजहद के बावजूद हाईकमान ने श्रुति चौधरी के टिकट पर कैंची चला दी, जिसके बाद किरण चौधरी ने खुलकर विरोध भी जताया था और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर श्रुति का टिकट कटवाने का आरोप लगाया था। हालांकि हाईकमान के दखल के बाद किरण चौधरी ने रावदान सिंह के लिए प्रचार किया था, लेकिन दान सिंह द्वारा किरण चौधरी के फोन नहीं उठाने और प्रचार के लिए नहीं बुलाने को लेकर भी किरण नाराज दिखाई दी, जिसको लेकर महेंद्रगढ़ की रैली में राहुल गांधी के सामने रावदान सिंह और किरण चौधरी में भरे मंच पर नोकझोंक होती दिखाई दी। करनाल में भी बुद्धि राजा पर भारी पड़ी गुटबाजी।
करनाल लोकसभा सीट पर भी नेताओं की गुटबाजी कांग्रेस की हार की वजह बनी। करनाल में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा और विधानसभा उपचुनाव में त्रिलोचन सिंह को मैदान में उतारा था। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस में टिकट को लेकर कई दावेदार थे। कांग्रेस नेता एडवोकेट वीरेंद्र राठौर भी टिकट की रेस में थे, लेकिन ऐन वक्त पर राठौर का टिकट काट दिया गया, जिसके चलते राजपूत चेहरे राठौर के हल्के घरौंडा से बुद्धि राजा को 20,277 वोटों से हार मिली। वहीं पानीपत से बुल्ले शाह भी टिकट के दावेदारों में से एक थे। यहां भी कांग्रेस के बुद्धि राजा को 58,000 से अधिक मतों से हार मिली। उपचुनाव की बात करें तो यहां भी पूर्व विधायक सुमिता सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा, पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे। ऐसे में चुनावी हार के बाद त्रिलोचन सिंह ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। फरीदाबाद में भी उल्टा पड़ गया कांग्रेस का दांव। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया। महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के हलके में भी जीत नहीं पाए। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के इकलौते विधायक नीरज शर्मा के फरीदाबाद एनआईटी हलके में भी महेंद्र प्रताप को रिकॉर्ड 41,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कुछ इसी प्रकार के हालात पूर्व मंत्री करण दलाल के हलके पलवल में भी रहे। यहां कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को करीब 25,000 मतों से शिकस्त झेलनी पड़ी। बता दें कि करण सिंह दलाल इस बार फरीदाबाद लोकसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट कटने के कारण करण दलाल खुलकर विरोध में भी आ गए थे। लेकिन हुड्डा और खड़गे की दखल के बाद करण दलाल प्रचार में तो आए, लेकिन फिर भी पलवल विधानसभा से कांग्रेस जीत नहीं पाई। महेंद्र प्रताप ने भी नेताओं की गुटबाजी को लेकर अपनी शिकायत हाईकमान के सामने दर्ज करा दी है। बहरहाल लोकसभा चुनावों में 5 सीटें गंवाने के बाद हरियाणा भाजपा ने प्रत्याशियों और जिला अध्यक्षों से चुनाव का फीडबैक ले लिया है। प्रत्याशियों ने 50 से अधिक नेताओं की शिकायत की है और इन सभी नेताओं पर भीतरघात से लेकर कम प्रचार करने के आरोप लगे हैं। भाजपा के भीतरघाती नेताओं में विधायक, पूर्व मंत्री, मंत्री, जिला अध्यक्षों तक के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी मौखिक रूप से 3 सीटों पर भीतरघात की शिकायत हाईकमान को की है। करनाल विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह ने तो स्थानीय नेताओं पर खुलकर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान का कहना है कि पार्टी के पास लिखित में भीतरघात या फिर गुटबाजी से जुड़ी कोई शिकायत नहीं आई है। हालांकि चुनावी नतीजों के आंकड़े बताते हैं कि भीतरघात से भाजपा को और गुटबाजी से कांग्रेस को 3-3 सीटों का नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।